हमारे बीच में शशि रानी जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जो आज देश की वर्तमान हालत जो इस समय चल रही है, वो वर्तमान हालत किस वजह से चल रही है, क्या कारण है, आप महिला हैं और आज जो एजुकेशन का जो स्तर है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। रानी जी, आज इस जो एजुकेशन का स्तर है किसी न किसी तरीके से दिन पर दिन इतना डाउन होता जा रहा है कि बहुत, इसका क्या कारण है? देखिए, पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी एजुकेशनल पॉलिसी कैसी है, एजुकेशनल पॉलिसी और हमारी सरकार की मंशा क्या है। जब भी हम किसी पॉलिसी को बनाते हैं तो उस पॉलिसी को हर एक व्यक्ति तक वो पॉलिसी का मैसेज पहुंचे, ये बात बहुत ज़रूरी है। जब एजुकेशनल पॉलिसी कहती है कि हर एक व्यक्ति इस देश का पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको एडमिशन मिलना चाहिए, उसको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, तो वो शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक वर्ग तक सीमित ना हो, ये बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी हमारी ऐसी है कि जिसमें समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है इसमें, लेकिन कुछ हमारी ये एक दुर्भाग्य है इस देश का कि एक वर्ग ऐसा है जो वंचित रह जाता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसके पीछे सिर्फ एक आर्थिक कारण नहीं है, उसके पीछे सामाजिक कारण भी है। सामाजिक कारण के साथ साथ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, पॉलिटिकल विल भी होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई एक सरकार की बात नहीं है। अभी तो मैंने अपनी बात कही, मैंने ये कहा कि आप एक दशक के आंकड़े उठाकर देखिए, एक दशक के अगर आंकड़े उठाकर आप देखते हैं, सरकार कोई भी आई है या कोई भी सरकार गई है, ये बात जो बेसिक जो मौलिक अधिकार है उनकी बात है, और वो मौलिक अधिकार को सिक्योर करना या उनको प्रोटेक्ट करना ये राज्य की जिम्मेदारी है, और शिक्षा भी राज्य की जिम्मेदारी है। एक राज्य में समान शिक्षा का अधिकार सबको हासिल हो, इसके लिए वो सुविधाएँ मुहैया कराना एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, वहाँ के CM की जिम्मेदारी होगी। सो उसको हमें ध्यान में रखना है, और हमारा सामाजिक वातावरण कैसा तैयार हो रहा है। जब एक वंचित वर्ग की महिला या वंचित वर्ग का एक बच्चा स्कूल पहुंचता है, क्या उसको एक समान तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है, ये बात जानना ज़रूरी है। बहुत सारी हमारे पास ऐसी रिसर्चेज हैं जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि जो व्यवहार है वो व्यवहार जो है डिस्क्रिमिनेटेड एटीट्यूड है। सो डिस्क्रिमिनेशन का जो एटीट्यूड है वो उसको हमें बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, अगर मैं सीधा सीधा कह दूं कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या महामहिम हैं, पहले दलित सांसद, दलित राष्ट्रपति, दलित प्रोफेसर, ये दलित टीचर आज भी इन जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं से उभर नहीं पा रहे हैं। देखिए, जो भी सांसद हैं या दलित जो भी नेता आगे या प्रतिनिधि जो भी पहुंचे हैं, वो जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। आप किसी भी समाज को या किसी भी वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन ये बात को आपको कतई नहीं भूलना है कि आपकी अपनी पहचान क्या है, आपकी अपनी पहचान और समाज आपको कैसे देखता है। मेरी पहचान यहाँ पर एक शिक्षिका की हो सकती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ, मेरी पहचान एक शिक्षिका की है, लेकिन समाज मुझे किस तरीके से देखता है? क्या समाज मुझे दलित वर्ग से आई हुई एक शिक्षिका के रूप में देखता है, या समाज मुझे एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते से देखता है? इस समाज की उस धारणा को बदलवाने की ज़रूरत है। जो भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व में है, जो भी व्यक्ति आगे बढ़कर अपनी बात कहने की भागीदारी में है या उस पोजीशन पे है, उसको ये बात बाहर निकल के बार बार कहना पड़ेगा कि बराबरी का अधिकार सबको मिले, समान तौर पे मिले, ये कुछ को मिल रहा है और कुछ को नहीं मिल रहा है, ये नेतागिरी नहीं चलेगी। शशि रानी जी, आप एजुकेशन में हैं, पढ़ा भी रही हैं, एक जानवरों के लिए तो एक्ट बनता है, लेकिन इस देश की बड़ी विडंबना है कि जो एक कमजोर वर्ग कहा जाता है, जिसे दलित वर्ग कहा जाता है, उसके लिए ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, उनके लिए कानून नहीं है। एक कवच था, वो भी 20 तारीख को जो जजमेंट आया वो भी छीन लिया इन्होंने। देखिए, हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पास एक बहुत मजबूत कानून था, वो मजबूत कानून आज भी है, जिसको डाइल्यूट जो किया गया है उसके ऊपर बहुत बड़ी बहस चल रही है, और उसी के पीछे जो भारत बंद भी पीछे मूवमेंट हुआ वो भी उसी के कॉन्टेक्स्ट में आया। आप देखिए कि जो आपके मूलभूत अधिकार हैं उसमें आर्टिकल 17 सीधा सीधा अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करने की बात करता है। उसमें सीधी सीधी बात ये कही गई है कि किसी भी प्रकार का छुआछूत इस देश में नहीं चलेगा, और हमने क्योंकि आज़ादी ली है और अपना संविधान हमने अपने आप को दिया, ये संविधान हमने किसी और को नहीं दिया है, हमने कसम खाई है, हमने ओथ लिए, वी द पीपल से स्टार्ट होता है। सो हम जब बात कर रहे हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की, जब हम बात कर रहे हैं तो वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कैसी हो, किसके लिए हो, वो सामाजिक न्याय की बात किसके लिए आप कर रहे हैं? ये तो बड़ी समझदारी की बात है ना, कि जो वंचित वर्ग है, जो इससे छूट
छूट गया, हम उसी के लिए सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इसको जो डाइल्यूट किया गया, इसको जो डाइल्यूट किया गया, ये मानना पड़ेगा। आप ये देखिए कि वो क्यों बना था। वो एक सम्मान, एक डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए वो बनाया गया था। वो किसी कोई कानूनी जो अधिकार दिया था, वो किसी एक व्यक्ति की डिग्निटी, एक समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसके ऊपर कोई अटैक ना हो, उसके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, उसके लिए किया गया था। भवरीदास देवी कांड हुआ, उसमें जज का जो निर्णय आया, वो ये निर्णय आया कि क्योंकि अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को छू भी नहीं सकते, उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते, तो वो रेप क्या करेंगे। ऐसी अगर कमज़ोर मानसिकता और ऐसा अगर आधा अधूरा ज्ञान हमारे जजों के पास में है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली का क्या होगा। तो ऐसे में तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम सबको इसके ऊपर खुली चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात, ये किसी और लॉ के बराबर कंपेयर करने वाली बात नहीं है, ये वो बहस नहीं है जिसको डाइल्यूट किया जा रहा है डिस्कशन को। पहली चीज़ है, एक पहला अपने आप में एक ऐसा कानून था, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा कानून था जो एक वंचित वर्ग की प्रतिष्ठा की बात करता है, उसकी डिग्निटी मेंटेन करने की बात करता है, जो पहला अधिकार। अगर हम जानवर की डिग्निटी मेंटेन करने की बात करते हैं, तो इंसान की भी डिग्निटी मेंटेन करने की उतनी ही बात हमें करनी चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप जब कहते हैं कि एक जानवर, एक उसके अंदर भी प्राण है, उसको भी बचाया जाए, तो इंसान के अंदर भी प्राण है, उसे भी बचाया जाए, और उसकी भी जान की जो कीमत है वो जानवर से कम नहीं हो सकती। मतलब आप लोग वो रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और एक तरफ इसमें वर्तमान में कहते हैं कि गौ का मूत्र इस्तेमाल करना चाहिए, गौ का गोबर इस्तेमाल करना चाहिए। आज भी गौ मूत्र और गौ गोबर में ही ये लपट के रह गए हैं, लेकिन आज जो विकास होना चाहिए गरीब तबका, उनका विकास नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, ये गौ मूत्र हो गया, उससे करना चाहिए, ये करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। एक पढ़ा लिखा वर्ग, जब आप कहते हैं हमारा देश विकास कर रहा है, हमारे जो देश के लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो अभी हमने अंदर डिस्कशन में भी बात की, वो पढ़ाई लिखाई कैसी होनी चाहिए। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति लॉजिक पे चलता है, और हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये बात कही गई है। हम तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें कहता है कि लॉजिकल आधार पे तर्क वितर्क, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। इस देश के हर सिटीजन के पास एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट है लॉजिकली बात करना, आंकड़ों पर बात करना। अगर आप आंकड़े उठाकर देखते हैं, क्या वजह है कि 70 साल में भी सिर्फ वंचित वर्ग के लोग ही पिछड़े हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो किसी और तरीके की भागीदारी की बात है। हमने अभी कहा, अमृता सेन की स्टडी आई थी 2000 में, जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, सोशल जस्टिस का आधार क्या है। सोशल जस्टिस का आधार है लाइवलीहुड, सोशल जस्टिस का आधार है एजुकेशन, सोशल जस्टिस का आधार है आपका एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस का आधार है कि भागीदारी कितनी है आपकी, और फिर उसके बाद लाइफ की क्वालिटी क्या है। अभी भी हमारे वर्ग के लोग, आप देखिए, जिस देश के अंदर मरने के बाद एक गज जमीन जो चाहिए आपको, एक जो छोटा सा टुकड़ा जमीन का चाहिए मरने के बाद दफनाने के लिए, जलाने के लिए, उसमें भी भेदभाव है। ऊपर की जाति का आदमी कहीं और जाके दफनाया जाएगा, या कहीं और जलेगा, या कहीं और, और ये अभी भी है। इस क्या ये हमारा देश जानता नहीं है कि पानी होगा तो वो मुसलमानों का होगा, अगर वैसा होगा तो वो होगा। कपड़ों में भी यही कर दिया कि हरा कपड़ा होगा तो मुसलमानों का होगा, गेरुआ कपड़ा होगा तो इनका होगा। और इसी तरीके से अगर माना जाए, अगर तरबूज को ले लिया जाए, तरबूज ऊपर से हरा होता है वो मुसलमानों का हो गया, अंदर से सफ़ेद है वो किसका हो गया, और बिल्कुल अगर अंदर से देखेंगे वो लाल होगा। तो मैं यही बात अपनी कह रही हूँ कि जहाँ पर अगर आपको मरने के बाद भी आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो व्यक्ति की राख के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करता है कि इसकी राख मेरे घर तक नहीं पहुँचनी चाहिए, या उस ज़मीन पर मेरा पैर नहीं पड़ना चाहिए, या इनका पैर नहीं पड़ना चाहिए, पानी पीने की जगहें अलग हैं, रहने की जगहें अलग हैं, आप मुझे बताइए ये कैसी कंट्री है, ये कैसा देश है जहाँ पे इतना विभाजन है, इतना डिस्क्रिमिनेशन, और हम अपने आप को कहते हैं हम आज़ाद हैं। हम अभी भी आज़ाद नहीं है, और आज़ादी हमें किससे चाहिए, संकीर्ण मानसिकता से चाहिए, वो भेदभाव करने वाली मानसिकता से आज़ादी चाहिए। जिस दिन इस देश के लोग भेदभाव करने वाली मानसिकता से आज़ाद होंगे, वो किसी भी जाति का होगा, किसी भी वर्ग का होगा, कोई भी जेंडर का होगा, ये देश विकास करेगा। उस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, और ये लड़ाई एट्रोसिटी मानसिकता ही है, तभी एट्रोसिटी होती है। किसी को गाली गलौज करना, ये आपकी मानसिकता दर्शाता है, किसी के ऊपर अटैक करना मानसिकता दर्शाता है। दूसरी बात, एक मिसयूज़ की बात आई है, मिसयूज़ किस चीज़ का नहीं होता है, पानी का मिसयूज़ होता है, बिजली का मिसयूज़ होता है, तो कल को आप बिजलियाँ बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे इस देश में। मिसयूज़ तो एजुकेशन का भी हो रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तथ्यों के साथ हेरफेर किया जा रहा है, तो क्या आप उसको बंद कर दें। मिसयूज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी होता है, सड़कों का भी होता है, किस
किस चीज़ का मिसयूज़ बंद करेंगे। दूसरी बात, आईपीसी की धारा में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई चीटिंग फ्रॉड या मिसयूज़ होता है तो उसके ऊपर कानून चल सकता है। ये कैसे जज हैं जब महिला कोई जाती है अपने बात को कहने के लिए, कहते हैं डाउरी का मिसयूज़ हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मिसयूज़ हो रहा है, फिर अट्रोसिटी एक्ट के मिसयूज़ की बात की गई है। 2000 जब मैडम मेरा ये रहेगा कि आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील यही करना चाहती हूँ कि ये पहला अपने आप में एक ऐसा एक्ट है जिसके साथ किसी भी प्रकार की, ये अपने आप में एक पहला एक्ट है जिसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या फिर इसको दूसरे तरीके से जो प्रेजेंट किया गया है उसकी जो इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से की गई है उसको वापस लेना ही पड़ेगा। और इसके लिए हमें एक मुहिम चलानी ही पड़ेगी, एक मूवमेंट, और शांतिपूर्वक तरीके से। वायलेंस कोई नहीं चाहता। और दूसरी बात, ये इसकी जांच होनी चाहिए कि किस, ये आपका एक अधिकार है मूवमेंट करना, आपका एक अधिकार है कि आप अपनी बात रखें। अगर आपको न्याय प्रणाली से किसी तरीके की शिकायत है तो हम अपील करने कहाँ जाएंगे? आप सड़क पर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते तो और क्या करेंगे? तो इसका जो सबसे पहला मेरा मैसेज वो ये है कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन की गई है मिसयूज़ की, वो सरासर गलत है। हम मिसयूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, हमें यूज़ को इम्पोर्टेंस देना है। और उसका जो यूज़ हुआ है, गांव तक तलब में एक बदायूं कांड हुआ, लाशें तक लटका दी गई पेड़ पे, ये तो हीने से कि मरने के बाद भी आपकी मानसिकता ऐसी है कि आप लाशों को पेड़ पे, नंगी लाशों को पेड़ पर लटकाते हैं इस देश में, फिर आप कहते हैं अट्रोसिटी नहीं होती, लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो आप देखिए, आप ये देखिए कि इस देश में, दूसरी बात, जाति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अंतरजातीय विवाह नहीं होता, सिर्फ 5% ऐसे अंतरजातीय विवाह होते हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि लोग जाति को मानते हैं आज भी। हम तो ये कह रहे हैं कि हटा दीजिए रिजर्वेशन, हटा दीजिए सारी चीज़ें, तो साथ में टाइटल भी हटा दीजिए, जातियाँ भी हटा दीजिए। हम भारतीय नागरिक हैं, हम भारतीय नागरिक रहेंगे और हम वही हैं, उसी के ऊपर हमें अमल रहना चाहिए। धन्यवाद।